Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अमली इख्तियार की जाए, नवाज शरीफ की कल एहतसाब अदालत में पेशी के लिए आज साथियों और कानूनी माहिरीन से मुशावरत, नाराज चौधरी निसार भी बैठक में शामिल। आसिफ कमानी कहते हैं नवाज शरीफ की कयादत में नून लीग आज भी मुत्तहिद है और कल भी रहेगी। पार्टी सदर में फैसला जनरल काउंसिल करेगी। सेनेटर मुशाहिदुल्ला का कहना है कि साजिशें जारी रहती हैं मगर उनका मुकाबला भी होता है। तो साजिशें भी जारी रहती हैं, खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद बढ़ती रहती है और उसका मुकाबला भी होता रहता है। हमने हमेशा से इन चीज़ों का गैर जमहूरी कुव्वत है, जो जमहूरियत के दुश्मन है इस मुल्क में, जो इस मुल्क के करप्ट तरीन लोग हैं वो नवाज शरीफ को करप्ट इसलिए कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि 2018 में उनके साथ क्या होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं खेलेगी। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगु, कहा नवाज शरीफ की डील से मुतालिक कुछ इल्म नहीं, ये मामला सिर्फ गिनते हैं। क्या ये फेयर है? आमदनी से ज्यादा असासे कैसे बने? एहतसाब अदालत ने इसहाक जाट पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 27 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। समाअत रोजाना होगी। हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वजीर खजाना को 50 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के इसका फैसला 27 सितंबर को सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज और इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस दिया था। हमजा शहबाज ने गैर मशरूत माफी मांग ली थी। नाअहली केस में इमरान खान ने मनी ट्रेल की असल दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट दी। मियां बीवी के दरमियान होने वाली अदायगी को किसी मजाज अथॉरिटी के सामने जाहिर करना जरूरी नहीं। दरखास्त में मौकिफ, तमाम दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की सदा। इमरान खान अहमक मोहरा हैं, जल्द पिट जाएंगे। वो सेनेट में नून लीग की मुतवक्के अक्सरियत से खाइफ हैं। नवाज शरीफ के मुकदमात में गैर मामूली उजलत लम्हा फिक्रिया है। साद रफीक का ट्वीट। मुल्क में नए इंतखाबात की जरूरत है। नाअहल वजीर आजम इदारा तसादुम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बाबर ऐवान की मीडिया से गुफ्तगु, नईमुल हक कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी कठपुतली वजीर आजम है। इसहाक डार मुस्ताफी हो जाएं, जेल उनका मुकद्दर बन चुकी। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज कोयटा ने जस्टिस नवाज कत्ल केस में नवाबजादा गजेन मरी की उबूरी जमानत में 10 मंजूर कर ली। किसी की तारीख पैदाइश गलत तो किसी का नाम ही गलत। नादरा के नादिर कारनामों ने कराची वालों को चकरा दिया। नादरा मेगा सेंटर के बाहर तवील कतारों में लोग घंटों ख्वार। अमले के नाम रवैये का भी शिकवा। अंदर पहुंच जाते तो कोई ना कोई फटिक डाल देते, वाली साहब को लेके आओ, वाली साहब का दे देते, वालदा का लाओ, भाई का लाओ, किसको खानदान का किसी का भी लाओ। अब मेरा सर डेट खत्म है, रिकॉर्ड देंगे, पता है भाई को लेके आओ, वाले साहब को लेके आओ, किसी को लेके आओ पड़े। लेकिन अब धूप में खड़े हुए हैं, इतनी देर हो गई, कोई औरतों का कोई देखा ही नहीं जा रहा। कि हम 8 बजे से आए हुए हैं, कोई सहूलत भी नहीं है यहाँ पर और हमें मालूमात भी हासिल करो तो हम किससे करें। खैबर पख्तूनख्वा में मोबाइल फोन के कोड नंबर की तब्दीली का सरेआम धंधा। मोबाइल फोन के जरिए दहशतगर्दी के खतरात बढ़ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डेंगी पर काबू पाने में नाकाम। पेशावर के इलाके तहकाल के रिहायशियों का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। डेंगी वायरस में 33 अफराद की जान ले चुका, 10,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। शहर कायद में आवाम को पीने का साफ पानी भी आसानी मैसर नहीं। लोग बूंद बूंद को तरसते हैं मगर सड़कों पर दरियाओं की तरह बहता है। यूनिवर्सिटी रोड पर भी वाटर बोर्ड को टूटी लाइनों की मरम्मत की तौफीक न हुई। बहुत परेशानी हो रही है, तकरीबन 8 महीने हो गए पानी नहीं है एरिया के अंदर। वाटर बोर्ड वाले, वाटर टैंकर वाले माफिया, बस ये इसके जरिए हम लोगों को पानी मिल जाता है। गंदा पानी आ रहा है, घरों में पानी आ ही नहीं रहा, बाहर से जाया हो रहा है, जो लोगों के मसले मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत ताजरों को हरासा करने लगी। ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर यासीन खान पर दहशतगर्दों की फंडिंग का इल्जाम लगाकर पूछताछ के लिए नई दिल्ली तलब कर लिया। भारतीय इकदाम के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, सड़कों पर सन्नाटा।